हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। इससे पहले हमने पढ़ा क्रिया के कितने भेद होते हैं। पहला था अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा था जिसमें कर्म की अभाव होता है और कर्ता पर फल का प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा था जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है या फिर जिस क्रिया में कर्म की अभावता प्रदर्शित होती है वो हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है। इसमें पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। पर सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहां सकर्मक जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण
राहुल ने केला खाया। राहुल ने केला खाया। ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण। धन्यवाद।